नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पर बात करने वाले हैं, जल संकट। तो जल संकट की हम लोग पृष्ठभूमि जानेंगे, इसमें आखिर जल संकट होता क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। जल संकट की वैश्विक स्थिति भी देखेंगे, भारत में जल संकट की क्या स्थिति है उसे भी देखेंगे, भारत में जल संकट का कारण क्या है आखिर उसे भी हम लोग देखेंगे, और जल संकट के परिणाम क्या हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, जल संरक्षण हेतु प्रयास देखेंगे, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसे भी देखेंगे, और आगे की राय क्या हो सकती है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखिए, जल संकट से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे लगभग लगभग इस आर्टिकल में उन सभी का जवाब मिल जाएगा। कभी भी आंसर राइटिंग हो, फिर चाहे आप लोग कोई ऐसे लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, कुछ उसमें पंक्तियाँ इस तरह की डाल दिया करिए, कविताएं, ठीक है, इस तरह के कुछ शब्द। धरती पर जल संकट व्याप्त है, शायद मानव की बुद्धि समाप्त है। पानी की कुछ बूंद बूंद भी बच जाए तो बचा हुआ पानी भी पर्याप्त है। आगे बात करते हैं, उपयुक्त उद्धरण जल संकट की विभीषिका को क्या बयां कर रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण की राह पर बढ़ती दुनिया में जल संकट कोने कोने में पसर चुका है, जिसने अब एक विकराल रूप ले लिया। निसंदेह दुनिया विकास के मार्ग पर अग्रसर है, लेकिन स्वच्छ जल मिलना कठिन हो रहा है। एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर अफ्रीका में केन्या, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देश संकट जल के संकट से जूझ रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी पर बने ग्रैंड इथोपियाई रेनेसा डैम को लेकर इथोपिया और इजिप्ट और सूडान में तनाव बढ़ता जा रहा है। इन देशों में मतभेद तब और गहरे हो गए जब संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित एक त्रिपक्षीय बैठक में इथोपिया ने सूडान एवं इजिप्ट के साथ वार्ता करने से इनकार कर दिया। तीसरी दुनिया के देशों की खराब हालत के पीछे एक बहुत बड़ी वजह स्वच्छ जल की कमी है। जल तो काफ़ी है, लेकिन स्वच्छ जल की बहुत ही कमी है। जब से जल संकट के बारे में विश्व में चर्चा हुई है, तब से एक विचार विचलित हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध जल की आपूर्ति के लिए होगा। वास्तव में अब जल संबंधी चुनौतियां गंभीर हो गई हैं। 1995 में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष इस्माइल सेरागलेडन ने कहा था कि इस शताब्दी की लड़ाई तेल के लिए लड़ी गई, लेकिन अगली शताब्दी की लड़ाई जल आपूर्ति के लिए लड़ी जाएगी। इस आलेख में जल संकट के कारण, प्रभाव और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास हम लोग करेंगे। नील नदी पर बना जो ग्रैंड इथोपियाई रेनेसान डैम अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नील नदी सूडान के खार्तूम से निकटकर इजिप्ट होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। खार्तूम में ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी के मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। अफ्रीकी देश तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील से ब्राइट नदी नील नदी का उद्गम होता है। वहीं ब्लू नील नदी का उद्गम इथोपिया में स्थित ताना झील से होता है। ठीक है, इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और ग्रैंड इथोपियाई रेनेसा डैम को अपनी संप्रभुता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इथोपिया 4 अरब डॉलर की लागत से ब्लू नील नदी पर बांध निर्माण कर देश की लगभग 60% आबादी तक बिजली की आपूर्ति बढ़ाकर बुनियादी ढांचे की खाई को पाटना चाहता है, परंतु नील नदी के जल पर निर्भर इजिप्ट और सूडान को डर है कि ब्लू नील नदी पर निर्मित बांध से नील नदी में जल का प्रवाह कम हो सकता है।
जिससे दोनों देशों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। जल संकट का यह डर ही तनाव का कारण बनता है। तनाव में वृद्धि से युद्ध की आशंका जन्म लेती है। बात करते हैं आखिर जल संकट होता क्या है। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को जल संकट कहते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों में रहने वाले लगभग 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम एक महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। लगभग 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप लोगों को बताना है कि आपके यहाँ किस तरह की जल संकट छाई हुई है, ठीक है, और एक इसका कारण क्या है आपके यहाँ। आप लोगों ने जो सामने स्थिति देखते हैं उसके बारे में आप लोग बताइए कि आखिर कैसे आई आपके यहाँ जल संकट की स्थिति। क्या पहले सही व्यवस्था थी या उसमें शासन की कमी है या हम लोगों की कमी है। अपने अपने आसपास की स्थिति को लिखिए, ठीक है। जल संकट की वैश्विक स्थिति देखते हैं। पृथ्वी पर कुछ जल का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कुल जल का 97.3% खारा जल है और पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.07 ही शुद्ध जल है। जल तो काफ़ी है लेकिन खारा जल है, जो समुद्रों में भरा हुआ है वो खारा है। केवल शुद्ध जल 2.07% ही है जिसे पीने योग्य माना जा सकता है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया के 2 अरब लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें हैजा, आंतशोथ आदि जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा रहता है। एक अनुमान के अनुसार एशिया का मध्य पूर्व क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और स्पेन आदि देशों में वर्ष 2040 तक अत्यधिक जल तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित आपके 17 देश हैं। इनमें कतर, इजराइल, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, इरिटिया, संयुक्त अरब अमीरात, सैन मरीनो, बहरीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, बोस्तवाना आदि हैं। याद रखना भारत भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों को भी उच्च जल तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो जल संकट से कोई भी देश बचा नहीं हुआ है, ठीक है। बात करते हैं भारत में जल संकट की स्थिति क्या है। भारत में लगातार 2 वर्षों के कमजोर मानसून के कारण 330 मिलियन लोग या देश की लगभग 1/4 जनसंख्या गंभीर सूखे से प्रभावित है। भारत के लगभग 50% क्षेत्र सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जल संकट की गंभीर स्थिति बनी हुई है। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश में 21 प्रमुख शहरों में सेवासरत निवासरत जो लोग वहाँ रहते हैं 100 मिलियन लोग जल संकट की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। भारत की 12% जनसंख्या पहले से ही डे जीरो की परिस्थितियों में रह रही है। डे जीरो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में पानी के उपभोग को सीमित और प्रबंधित करने हेतु सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए डे जीरो के विचार को पेश किया गया था, ताकि जल के उपयोग को सीमित करने संबंधी प्रबंधन और जागरूकता को बढ़ाया जा सके। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी आपूर्ति से लगभग दुगनी हो जाएगी। बात करते हैं देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो वर्ष 2000 में 2300 घन मीटर रह गई तथा वर्ष 2025 तक इसके और घटकर 1600 घन मीटर रह जाने का अनुमान है।
हालांकि वर्ष 2019 में नीति आयोग ने संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक का दूसरा संस्करण तैयार किया है, जिसमें कुछ राज्यों ने जल प्रबंधन में सुधार किया है। बात करते हैं भारत में जल संकट के कारण। भारत में जल संकट की समस्याओं को मुख्यतः दक्षिणी उत्तर पश्चिमी भागों में इंगित किया गया है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कम वर्षा होती है। चेन्नई तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। इस प्रकार उत्तर पश्चिम में मानसून पहुँचते पहुँचते कमज़ोर हो जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा भी घट जाती है। भारत में मानसून की अस्थिरता भी जल संकट का बड़ा कारण है। हाल के वर्षों में एल नीनो के प्रभाव के कारण वर्षा कम हुई है, जिसकी वजह से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत की कृषि परिस्थितिकी ऐसी फसलों के अनुकूल है जिनके उत्पादन में अधिक जल की आपूर्ति होती है, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास इत्यादि। इन फसलों वाले कृषि क्षेत्रों में जल संकट की समस्या विशेष रूप से विद्यमान है। हरियाणा और पंजाब में कृषि गहनता से ही जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। भारतीय शहरों में जल संसाधनों के पुनर्उपयोग के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए जाते। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में जल संकट की समस्या चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। शहरों में ज़्यादातर जल पुनर्उपयोग के बजाय उसे सीधे नदी में प्रवाहित करा दिया जाता है। लोगों के बीच जल संरक्षण को लेकर जागरूकता का अभाव नहीं है। जल का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। गाड़ी की धुलाई, पानी के उपयोग के बाद टोटी खुला छोड़ देना इत्यादि। याद रखिए इस जागरूकता शब्द को। जब तक एक व्यक्ति में या समाज में जागरूकता नहीं फैलेगी किसी भी चीज़ के लिए हो, किसी भी, चाहे फिर कोई योजना ला रहे हों, चाहे आप कोई उनके लिए सुविधा दे रहे हैं, अगर जागरूकता नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। जागरूकता मेन हथियार है। अगर जनता अपने कर्तव्यों या अधिकारों के लिए जागरूक हो जाए तो मुझे लगता है कि 70-80% समस्याएँ ख़त्म हो जाएं। लेकिन ठीक है, कोई जगाने ही वाला नहीं है, जागरूक कहाँ से हो। जल संकट के परिणाम क्या होते हैं उन्हें भी देखते हैं। खाद्य असुरक्षा। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है तथा जल खाद्य सुरक्षा की कुंजी है। जल संघर्ष और प्रवासन। जल की कमी से आजीविका का संकट उत्पन्न होगा जो प्रवासन को बढ़ावा देगा। आर्थिक अस्थिरता। विश्व बैंक के अनुसार जल की कमी के चलते कई देशों की GDP प्रभावित होगी और आर्थिक समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। जैव विविधता की हानि। जल संकट से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ जीव जंतुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कानून व्यवस्था बिगड़ने के आसार। प्रयास देखा गया है कि जल संकट वाले क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्रोतों पर कब्जे को लेकर कई बार हिंसक झड़प हो जाती है। पिछले कई वर्षों से भीषण जल संकट का सामना करने वाले महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रशासन को 144 धारा लगानी पड़ी। बात करते हैं जल संरक्षण के प्रयास। अगर जल संरक्षण से संबंधित आपके पास भी कोई उपाय है तो जरूर लिखिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, कि कैसे इस समस्या से उबरा जा सकता है। सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत, 6 के तहत वर्ष 2030 तक सभी लोगों के लिए पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल संरक्षण से के निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में कृषि गहनता के कारण जल के अत्यधिक प्रयोग को कम करने हेतु कम पानी वाली फसलों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। द्वितीय हरित क्रांति में कम जल गहनता वाली फसलों पर जोर दिया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल का संचयन किया जा रहा है। वर्षा जल को सतह पर संग्रहित करने हेतु टैंकों, तालाबों, चेक डैम आदि की व्यवस्था की जा रही है। झीलों, नदियों और समुद्रों जैसे प्राकृतिक जल स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ताजे पानी की परिस्थिति की तंत्र और समुद्री परिस्थिति की तंत्र दोनों ही विभिन्न जीवों की विविधता के घर हैं और इन परिस्थिति परिस्थितिक
तंत्रों के समर्थन के बिना ये जीव विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण आवश्यक है। नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल को जल प्रतिबल वाले क्षेत्रों की ओर भेजा जा रहा है। बेतवाक्य जोड़ो परियोजना सुना होगा आपने ना, सबसे पहली है ठीक है, नीति आयोग की @75 कार्यनीति और जल प्रबंधन। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति जारी की, जिसके तहत यह निश्चित किया गया था कि वर्ष 2022-23 तक भारत की जल संसाधन प्रबंधन रणनीति में जीवन, कृषि, आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल की सुरक्षा की सुविधा होनी चाहिए। आगे की राय क्या होगी? आगे की राय क्या होगी? समय आ गया है कि हम वर्षा का जल अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए एक एक बूंद अमृत है, इन्हें सहेजना बहुत ही आवश्यक है। अगर अभी जल नहीं सहेजा गया तो आगे चलकर स्थिति भयावह हो सकती है। वर्षा जल संग्रहण के कई तरीके उपलब्ध हैं। कम ढलान वाले इलाकों में परंपरागत तालाबों को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित करके नए तालाब भी बनाने चाहिए। तालाब जल की कमी के समय जल उपलब्ध करवाने के अलावा भूजल भरने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। आधारभूत जल संकट, उदाहरण के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन या उपयोग की समस्या के समाधान हेतु देशों को अधिक दक्ष सिंचाई पद्धतियां को अपनाने की आवश्यकता है। तो पूरा ये आर्टिकल आपके जल संकट से संबंधित था। जो आपके विचार हों इस पर ज़रूर दीजिए अपने विचार, ठीक है।